हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पर बेस्ड दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ पहला क्वेश्चन है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इंटीग्रल जीरो टी, टी अपॉन टी का, और इसी तरह से इंटीगल जीरो टी, टी टी फाइंड करना है तो इस तरह के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस पहले तो हम इन्हें नॉर्मली ही सॉल्व करते हैं जैसे साइंटी अपॉन टी के लिए हम सॉल्व करेंगे और इसको ई रेस टू टी साइंटी अपॉन टी के लिए सॉल्व करेंगे देन हम इंटीग्रल जीरो टू टी के लिए इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वन बाय वन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी और उससे हम रिजल्ट ले पाएंगे तो देखते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे अपॉन टी t t का ये मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो सेम क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में लिया है यहाँ पर साइन टी जो है फंक्शन ऑफ टी होगा तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ टी की जगह पर हमारे पास साइन टी है और डिवाइडेड बाय टी है इस कारण से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एस डी एस के बराबर होगा और साइन टी के करस्पॉन्डिंग होगा अपॉन क्योंकि साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर एक की जगह हमारे पास वन है तो ये करेस्पॉन्डिंग फंक्शन मिल जाएगा अब ये जो है ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को शो कर रहा है यानी कि टेन इनवर्स एस का फॉर्मूला है और टेन इनवर्स एस में अगर हम एस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी पे नाइन्टी मिलेगा और टेन इनवर्स एस पर टेन इनवर्स एस ही रहेगा तो नाइन्टी माइनस टेन इनवर्स एस कॉट इनवर्स एस हो जाएगा और ये हमारे पास इस पूरे फंक्शन के लिए अब यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एफ टी अपन टी इसको हम नया नेम देते हैं कैपिटल एफ टी तो कैपिटल एफ टी के करस्पॉन्डिंग ये है कैपिटल एफ बार एस तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हो गया और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन जीरो टू टी फाइंड आउट करते हैं तीन तरह के इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेंगे एक एस टू इंफिनिटी एक जीरो टू टी और एक जीरो टू इंफिनिटी जीरो टू इंफिनिटी डायरेक्ट अपना जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें यूज में आता है एस टू इंफिनिटी डिवीज़न बाय टी में यूज में आता है और जीरो टू टी डिवीज़न बाय हो जाता है यानी कि यह अपना ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है तो कहीं भी जीरो टू टी अगर इंटीग्रेशन की लिमिट है तो वो ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल जीरो टू टी एक जगह और यूज में आता है बट वहां पर इनवर्स लाप्लास में कन्वल्यूशन थ्योरम में यूज में आता है तो अभी यहां हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर जीरो टू टी लिमिट दिख रही है इट मीन्स हमें ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करना है तो नाउ यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी हर एक प्रॉपर्टी में एल एफ टी एस के बराबर होता है देन हमारे पास अगर इंटीग्रल जीरो टू टी फंक्शन ऑफ यू डी यू या फंक्शन ऑफ टी डी टी हो तो उसका आंसर आता है वन अपॉन एस इन फंक्शन ऑफ एस तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ एस रेडी है तो इसको हमें केवल अप्लाई करना है तो अब यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी इंटीग्रल जीरो टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी यहाँ यू की जगह टी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिमिट ही टी है तो अल्टीमेटली फंक्शन को टी में कन्वर्ट होना है आप चाहें तो साइन यू अपॉन यू डी यू भी लिख सकते हैं तो फाइनली ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वन अपॉन एस इंटू फंक्शन ऑफ एस वन अपॉन एस इंटू फंक्शन ऑफ एस की जगह हमारे पास कॉट इनवर्स एस है तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स एस और यही आंसर होगा तो आंसर तो बहुत इजीली लिखे जाते हैं बट आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है ठीक से पता नहीं है कौन सी लिमिट किसके लिए यूज में होती है तो फिर ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको इनको ध्यान से याद करना है और अप्लाई करना है अब सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टीस टू टी साइन टी डिवाइडेड बाय टी डी तो यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है कि साइन टी अपॉन टी तो ये डिवीजन बाय टी है ये ये अपना डिवीजन बाय प्रॉपर्टी यूज होगी और दूसरा यहां पर इंटीग्रल जीरो टू टी दिख रहा है तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है ये ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करेगा तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो सभी प्रॉपर्टीज में ये कंडीशन तो होती है Then, आपको दो प्रॉपर्टी यूज करनी है डिविजन बाई टी तो डिविजन बाई टी में फंक्शन ऑफ टी बाई टी अगर हो जाता है तो उसमें हमें इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एस डी एस ये रिजल्ट मिलता है और अगर यही टू है तो इन दैट केस आपको ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी से एल इंटीग्रल जीरो वैल्यू मिल जानी है वन अपॉन एस इंटू फंक्शन ऑफ एस तो इस तरह से हम ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं अब चूंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि साइंटी अपॉन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है तो उसमें ई टू टी अच्छा यहां पर एक टू e टी भी है तो इसको भी देख लेते हैं तो ई टू टी ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं एग्जाम में क्योंकि यहाँ बहुत सी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज में आ रही है और इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है देन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज एल इट इज इन टू फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस माइनस ए तो इस तरह से तीन प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है हाफ क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं क्योंकि साइंटी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है तो यहां पर मैं पहले ही लिख लूंगी वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइंटी अपॉन टी बट एग्जाम में अगर आता है तो आपको सॉल्व करके लिखना है इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस तो यहां पर करेस्पोंडिंग फंक्शन ऑफ एस हमारे पास है किसका साइंटी अपॉन टी का अब ई रेस टू टी इसको हम यूज करना चाहें अगर तो हम ई रेस टू टी साइंटी लिख सकते हैं देयरफर फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे तो लापलास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ इ रेस टू टी साइंटी अपॉन टी तो साइंटी अपॉन टी तो हमारा फंक्शन है ही e t हमने एक्स्ट्रा लगाया तो एक्स्ट्रा जो ई रेस्टू टी है उसकी वजह से फंक्शन एस माइनस ए का फंक्शन हो जाना चाहिए और ए की जगह हमारे पास क्या है one है तो इस कारण से यहाँ पर एस माइनस वन का फंक्शन हो जाएगा तो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस माइनस वन एस माइनस वन यानी कोट इनवर्स एस है तो यहां से आ जाएगा कॉट इनवर्स एस माइनस वन बाय फर्स्ट इक्वेशन तो ये हमें फर्स्ट शिफ्टिंग के थ्रू इतना मिल गया अभी क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व हो गया है यानी कि साइंटी अपॉन टी पहले हमने सॉल्व किया फिर टी e सॉल्व t t t किया अब हमें इंटीग्रल जीरो टू टी सॉल्व करना है इंटीगल जीरो मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल तो नाउ यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी वन अपॉन एस इन फंक्शन ऑफ एस प्रोवाइड करेगी सो so, वी कैन राइट इट एस वन अपॉन एस इन फंक्शन ऑफ एस अब ये फंक्शन ऑफ एस ये वाला फंक्शन ऑफ एस है इसको हम एफ कैपिटल बार एस ऐसा कंसीडर कर लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर टू तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर टू से लिख देंगे कॉट इनवर्स एस माइनस वन बाई इक्वेशन यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एस है वो इस पूरे फंक्शन के लिए e टू अपॉन t, t t. इस पूरे फंक्शन फंक्शन को ऑफ करते हुए हमने जो फंक्शन ऑफ एस लिया है उसके लिए रिजल्ट है तो ये पूरा फंक्शन हो गया और फिर इसका इंटीग्रल जीरो वैसे ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का रोल इतना ही है कि हम ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो जो भी हमारा आंसर होता है उसमें डिवीजन बाय एस हो जाता है तो ये वन अपॉन एस आएगा यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल बाकी पूरा क्वेश्चन अपन एज यूजल जैसा सॉल्व करते हैं वैसा ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस आप इजीली तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले और प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न हो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉपर्टी के कुछ और क्वेश्चंस लूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग